हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वल्टिक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों फिर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है, आप देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से निकाली जा रही है और इसके आवेदन आप देखते हैं 26 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अगस्त 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। तो 16 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है, रात के 12 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज की आज अभी की अभी अप्लाई कर ले, ठीक है। डिटेल्स में जानकारी देंगे, अप्लाई करने से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है, मतलब इंडिया की किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो आपके सामने है neovoltech.co.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट दी जाती है। वहीं हमारी जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है वो है tipswarrantbus.xyz, यहाँ पर आपको भी नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो दोनों ही वेबसाइट पर आप रोजाना विजिट कर सकते हैं, जॉब्स की जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती के बारे में, जो कि निकाली जा रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से इस साल 2023 की ये नई भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए कि पोस्ट यानी कि प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है 132 है, जिसके आवेदन आपसे केवल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी के लिए, जिसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। अगर आपको नौकरी मिलती है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिल रही है, आप देख सकते हैं 30,000 रुपए पर मंथ आपको कम से कम शुरुआत में सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा काफी सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। बात की जाए यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका सीबीडी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि काफी नॉर्मल आपका एग्जाम होगा। वहीं इसके बाद आपका लिया जाएगा इंटरव्यू। तो इस प्रकार आपका रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। वहीं दोस्तों इसकी जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की रहेगी, यानी कि आप इंडिया की किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 35 साल रखी गई है। अगर आपकी एज जो है मैक्सिमम 35 साल तक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है एज का। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएलटी कैंडिडेट से तो आप जो है आईसीएमआर में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर 100 रुपीज चार्जेस है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए का चार्जेस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। वहीं क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या बीटेक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। वहीं बात करते हैं इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे। आवेदन जो है आपसे 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, 16 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा एक ऑनलाइन फॉर्म, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, भरना होगा। यहाँ पर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से ही आप रजिस्टर हैं, अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना है, ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फोटोग्राफ सिग्नेचर डिटेल्स प्रीव्यू अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट करके फॉर्म को लॉक करना है, सबमिट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की भर्ती निकाली जा रही है, ठीक है। काफी सारे बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती का, तो यहाँ पर जो भर्ती निकाली जा रही है जीडीएस की वो 30,000 से अधिक पोस्ट पर भर्ती है, जिसकी भी अपडेट आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीएस की भर्ती निकाली जा रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, 30,000 से अधिक पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है, ठीक है।
तो ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। अप्लाई करने का प्रोसेस वही रहेगा एज इट इज, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो 12,000 से 29,300 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पर एज लिमिट की तो कम से कम आपकी जो एज है 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट का आपको ध्यान रखना है ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सके। आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप 41 के हैं, 42 के हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो 40 साल तक के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको सरकार के नियम अनुसार जो आईसीएमआर में छूट मिलता है उसका बेनिफिट लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस में आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, किसी भी माध्यम से करा सकते हैं। बाकी रिजर्व कैंडिडेट जो भी है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो अगर आप 10वीं क्लास पास हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आपको यहां पर 10वीं के बेसिस पे ही अप्लाई करना होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो है आवेदन कब शुरू किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं, आवेदन जुलाई के लास्ट से अगस्त तक चलेंगे। वैसे तो आपको बता दें कि जुलाई का महीना लगभग निकल चुका है, अगस्त से ही इसके आवेदन शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो अगस्त में ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो अगस्त में और भी नई भर्तियां निकाली जा रही है, रेलवे की तरफ से भी ग्रुप डी की भर्तियां निकाली जा रही है, एनटीपीसी लोको पायलट टेक्नीशियन 10वीं बेसिस पर काफी सारी वैकेंसीज निकाली जा रही है अगस्त के महीने के अंदर। तो अगस्त का जो महीना है आप सभी के लिए एक गोल्डन मंथ रहेगा, तो अप्लाई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।